तो आपको मैंने यहाँ पे यह बता चुका हूँ कि मालवा जो है, मालवा का पठार पहले ही बता चुका हूँ कि मालवा का पठार सबसे बड़ा भूभाग है जो प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, दक्कन ट्रेप की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और इसमें सर्वाधिक काली मिट्टी मिलती है। साथ में मैंने आपको बताया कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र, साथ में सबसे यहाँ पर इसकी सबसे ऊँची चोटी 881 मीटर सिगार की चोटी और इसकी जलवायु सम जलवायु है और इस जलवायु को फायान ने क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। चलिए तो यहाँ पर हमने आपको मालवा के पठार से संबंधित बातें को बता दिया। अब अगला हमारा भाग आता है जो है मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। और जो ये मध्य भारत का पठार है वो कुछ इस तरह से, यानी कि इसमें आने वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मध्य भारत के पठार की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्योपुर, मुरैना और आपका यहाँ पर ग्वालियर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, कुछ यहाँ पर शिवपुरी का क्षेत्र, कुछ गुना का आंशिक क्षेत्र और बाकी तो क्षेत्र कौन से हैं, मंदसौर और नीमच वाले। कहने का मतलब मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है और यहाँ पर भिंड, मुरैना, शिवपुर वाला क्षेत्र है, इसको हम कह रहे हैं मध्य भारत का पठार। बहुत ध्यान से ध्यान रखना पड़ा। इस मध्य भारत के पठार के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, यानी कि यमुना का मैदान है। इस मध्य भारत के पश्चिम में राजस्थान का भाग है। इस मध्य भारत के दक्षिण में मालवा का पठार है और इस मध्य भारत के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। क्यों बेटा? कि अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ पर बुंदेला शासक होने के कारण इस क्षेत्र के पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा। ध्यान देना मेरी बात का, यहाँ से एक क्वेश्चन। अब इस मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये 10.68% भाग को घेरे हुए हैं। कितने भाग को? 10.68% भाग को घेरे हुए हैं, अर्थात ये इसका है 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। कितने हजार बताया? 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ ये 10.68% भाग है जो मध्य भारत का पठार है। और इस पठार की ये विशेषता है कि इसको हम कहते हैं चंबल का उपआद्र, चंबल का उपआद्र क्षेत्र। माने क्योंकि चंबल नदी इस क्षेत्र में बहती है इसलिए इसको हम चंबल का उपआद्र प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। अब ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता होती है? तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में इसमें बहुत अधिक ठंडी होती है। तो आपके मध्य भारत की जलवायु को अगर हम देखें तो मध्य भारत की जलवायु को, जिसमें हमने आपको बताया कि यह है कि जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का ये विशेषता कि भैया गर्मी में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। ठीक है, अधिक ठंडी, ये किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है आपके महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की। तो मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल जो है 10.68% है। इसमें भिंड, मुरैना, आपका श्योपुर, आपका शिवपुरी, ग्वालियर वाला क्षेत्र, आंशिक शिवपुरी है और आपका मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र आता है। और ये जो मध्य भारत का पठार है इसमें लगभग 75 सेंटीमीटर से कम, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा यहाँ सबसे कम होती है 55 सेंटीमीटर के लगभग में। यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है 75 सेंटीमीटर से कुछ 140 सेंटीमीटर के लगभग में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। आपको एक और बात बता दूं कि ये हमारे मध्य प्रदेश का पश्चिम है बेटा, ये हमारे मध्य प्रदेश का उत्तर है, ये हमारे मध्य प्रदेश का दक्षिण है और ये हमारे मध्य प्रदेश का पूर्व है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, ध्यान समझना, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर आपकी वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है।
मतलब अगर हम कहें कि मालवा में या मध्य भारत के पठार की बात करें तो इनमें वर्षा, तो इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा आपकी कहाँ होती है, आपके इस बघेलखंड वाले क्षेत्र में, इस बालाघाट छिंदवाड़ा जबलपुर वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में आपकी क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा, देखो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा क्यों, अब देखिए यहां पर सूखा क्षेत्र है, वर्षा कम होती है तो झाड़ी पेड़ वगैरह कम मिलेंगे, पेड़ कम मिलेंगे तो यहां पर मृदाओं को रोकने के लिए क्या नहीं होगा भाई, बड़े साधन, पेड़ क्या करते हैं, मृदाओं को रोकते हैं, मिट्टी को रोकते हैं। और आप सब जानते हैं कि चंबल नदी जो है, चंबल नदी ये क्या करती है, मृदा अपरदन करती है, अपरदन करती, तो मृदा अपरदन का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो मृदा अपरदन का काम चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपको मध्य भारत के पठार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो आप सब जानते हैं कि मैंने आपको पिछली इसमें बताया कि जो मालवा का पठार है, अब इस पठार में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ही बताया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती, मध्य प्रदेश की बात कर रहे बेटा, और भारत की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो देखो बेटा क्या होता है कि मालवा के पठार से जितनी नदियों का उद्गम होता है, लगभग सभी नदियाँ मालवा के पठार से, आपकी चंबल, छिपरा, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, ये सभी नदियाँ क्या करती हैं, आपके मध्य भारत के पठार में जाती हैं, और नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में यदि जलोढ़ मिट्टी आपको मिलती है तो यहाँ पर मिलती है मध्य भारत के पठार में, क्या है, जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, आपका शिवपुरी, मंदसौर, नीमच क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वह क्षेत्र जहाँ पर किसका भाग है भैया, मध्य भारत के पठार का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने एक भाग और बता दिया, मध्य भारत का पठार। अगला जो भाग है वो आपका नाम है बुंदेलखंड का पठार। क्या नाम बताया, बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है, चूंकि ये बुंदेला शासकों की राजधानी कहलाती थी, यहाँ पर छतरपुर, टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में, ओरछा, निवाड़ी, इन क्षेत्रों में किसका शासन था, इन क्षेत्रों में आपके बुंदेला शासकों का राज शासन था, बुंदेला शासकों का। तो बुंदेला शासक, जैसे आप लोगों ने बहुत फेमस बुंदेला शासक नाम सुना होगा, छत्रसाल, ठीक है, महाराजा छत्रसाल। तो और आप लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता भी पढ़ी होगी, बुंदेलो हर बोलो मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये झांसी की रानी वाला क्षेत्र है, यानी कि झांसी के आसपास वाला क्षेत्र। तो चलिए, बुंदेलखंड का पठार जो है ये पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% भाग को घेरे हुए, पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 38,08,252 वर्ग किलोमीटर है, उसका कितना प्रतिशत, 7.7%, माने कितना, तो माने यहाँ 23,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये बुंदेलखंड के पठार को घेरे हुए हैं। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो कितने भाग को घिरे हुए हैं, 33,733 वर्ग किलोमीटर बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, ये किस किस क्षेत्रों में है, तो क्षेत्र के नाम, तो यहाँ पर भिंड आपको दिख रहा है, भिंड, दतिया, यहाँ पर है आपका अशोकनगर, अशोकनगर भी बुंदेलखंड के पठार में आ रहा है, अशोकनगर, चंदेरी का किला, आप लोग यहाँ बहुत फेमस है, दतिया, सोनगिरी यहाँ पर बहुत फेमस है, कहाँ पर, ये सब बुंदेलखंड के पठार में, निवाड़ी, जिसमें निवाड़ी जिले में आपका ओरछा टेम्पल आता है, ओरछा में राजा राम मंदिर है, और ओरछा में बहुत सारे किले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का पठार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब इस पठार का निर्माण जो है वो आग्नेय और कायंत्री चट्टानों से हुआ है, आग्नेय और कायंत्री चट्टानों से हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें हमको यहाँ पर मिलती हैं। देखो बेटा, आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान, इससे ध्यान रखना एक क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान दो प्रकार, देखिए वैसे तो चट्टानें बहिर्वेदी अंतर्वेदी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि आग्नेय चट्टान में दो चीज़ें, एक ग्रेनाइट है और एक है बेसाल्ट।
जो बेसाल्ट होता है ये धरातल पर पाई जाती हैं, यानी कि धरातल के सरफेस के आसपास पाई जाने वाली चट्टानें हैं। और ग्रेनाइट चट्टान जो होती है पाताली चट्टान होती है, अर्थात धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टान होती है। तो ग्रेनाइट का परिवर्तन नीस में होता है, किसमें होता है, नीस में। तो यहाँ पर इस बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, अर्थात यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, आग्नेय चट्टान आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ काली और लाल पीली मिट्टी मिलेगी, कहाँ पर, इस बुंदेलखंड के पठार में काली एवं लाल मिट्टी मिलेगी, ठीक, काली एवं लाल मिट्टी। इस क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन होगा, गेहूँ का उत्पादन होना है बेटा, गेहूं का उत्पादन बुंदेलखंड के पठार में होता है। अब यहाँ पर आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य भारत के पठार में किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक, तो मध्य भारत के पठार में भी गेहूं और सरसों का उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मुरैना में होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भैया मध्य भारत के पठार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सरसों का उत्पादन होता है, तो सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, मुरैना में। अब मुरैना का नाम मुरैना इसलिए पाया जाता है, किया गया या रखा गया, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मोर पाए जाते हैं, इसलिए मुरैना का नाम मुरैना रखा है, तो मोर के कारण, ठीक है, तो याद रखना। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपके ताप में भी कमी होगी, साथ में वर्षा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होती है। जो बुंदेलखंड का पठार है, इस पठार में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बुंदेलखंड के पठार की, ठीक है, जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कोई है तो वो है बेतवा। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेतवा नदी का उद्गम विंध्य पर्वत से ही होता है, रायसेन में एक कुमरा गांव है, कौन सा गांव है, कुमरा गांव। इस कुमरा गांव से आपकी बेतवा नदी का उद्गम होता है, और ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन विदिशा सागर होते हुए आपके झांसी ये वाले क्षेत्र में जाती है, ललितपुर वाले क्षेत्र में जाती है, और यहाँ पर माता टीला बांध का निर्माण होता है, किसका निर्माण, माता टीला बांध का। और ये बेतवा नदी जो पुनः एक बार मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ जाती है, एक बार मध्य प्रदेश से निकलकर यूपी में जाती है भाई, और यूपी से फिर एक बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं और निवाड़ी जिले में प्रवेश करती हैं, और निवाड़ी जिले का ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे हैं। तो मध्य प्रदेश का ओरछा नाम का जो स्थान है ये किस नदी के किनारे हैं, बेतवा नदी के किनारे हैं, तो ये आपको याद रखना। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है कौन, आपकी बेतवा नदी, और मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है कौन, बेतवा नदी, क्योंकि बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी में प्रदूषण अधिक है, बेतवा नदी में प्रदूषण अधिक है, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं, बेतवा को कहते हैं। एक क्वेश्चन भाई साहब यहाँ से आना है तय है। अब आपको क्या है कि आपको देखिए सफलता के लिए समय तो लगेगा, टॉपिक समझ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, ठीक है, अब एकदम से तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको बार बार पढ़ने से ही समझ में आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक, तो बुंदेलखंड का पठार आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि बुंदेलखंड के पठार के आपको खजुराहो आप जा सकते हैं, खजुराहो जो एक पर्यटन नगरी है ना, खजुराहो को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया। देखो यूनेस्को नाम की एक जगह है, यूनेस्को है ना, जो ये यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या करता है कि विश्व स्तर पर जो है हमारी प्राचीन इमारतें हैं, विरासत हैं, उसका क्या करता है, संरक्षण करता है। तो विश्व विरासत सूची में खजुराहो को, यहाँ पर बुंदेलखंड में ही है कौन, खजुराहो जो है इसको खजुरवाहा कहा जाता था, और इस बुंदेलखंड को प्राचीन काल में जेजाग भुक्ति कहा जाता था। जेजा नाम का बुंदेला शासक था, यानी कि एक शासक था चंदेल शासक, उसके नाम पर इसका नाम जेजाग भुक्ति रहा, और बाद में इसको हमने क्या कहा गया, बुंदेलखंड कहा। तो इस बुंदेलखंड में आपको खजुराहो नाम का एक पर्यटन स्थल मिलेगा, जिसको यूनेस्को में 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
ये मध्य प्रदेश का पहला स्थल है। अब आपके पास में क्वेश्चन आते तो कितने हैं, तो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश में तीन प्रमुख स्थल हैं। पहला स्थल जो है, जो आपको मैंने बताया, खजुराहो 1986 में। दूसरा स्थल रायसेन का है, सांची 1989 में। और तीसरा स्थल मध्य प्रदेश का रायसेन का अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका है, जो 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। हेरिटेज सिटी के रूप में ओरछा ग्वालियर को शामिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट स्थित है, जो आपका किससे संबंधित है, आपका बुंदेलखंड के पठार में संबंधित है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि बुंदेलखंड का पठार किन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो बुंदेलखंड का पठार जो है दतिया, शिवपुरी, सागर, ग्वालियर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, इन क्षेत्रों में आपका आ रहा है। अब अगला जो भाग है हमारे पास, अगला जो भाग है वो है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये भी मध्य भारत का पठार है बेटा, ये भी मध्य भारत का पठार है, रीवा पन्ना का पठार। और ये रीवा पन्ना का पठार 10.36%, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 10.36%, लगभग 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? आपका रीवा पन्ना का पठार। इस रीवा पन्ना के पठार को एक नया नाम भी, एक और नाम है, उसको कहते हैं विंध्यन कगार, विंध्यन कगार या विंध कगार। क्या कहते हैं? विंध कगार, यानी कि ये विंध्यांचल पर्वत वाला ही क्षेत्र है। इस विंध्यांचल पर्वत से आपको कई नदियाँ उद्गमित होती हैं, टोंस नदी, केन नदी। टोंस नदी आपकी जो है गंगा में जाकर मिलने वाली नदी है मध्य प्रदेश की, तो टोंस केन नदियों का उद्गम आपको यहाँ पर होता है रीवा पन्ना के पठार में। यहाँ पर सतना एक क्षेत्र है, तो रीवा पन्ना के पठार में कौन आ रहा है? तो सतना, दमोह, रीवा, पन्ना आपका जो है यहाँ पर ये भाग आते हैं। और इसका क्षेत्रफल इनके यानी कि 31,954 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, रीवा पन्ना के पठार को विंध कगार कह रहे हैं। अब रीवा पन्ना का पठार में ही आपको क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो ये बहुत ही अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र यानी कि खनिज संपदा से संपन्न है, और यहाँ पर क्या मिलता है? हीरा प्राप्त होता है, और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, और लाल बलुआ पत्थर वही लाल बलुआ पत्थर हैं जिन पत्थरों से लाल किले का निर्माण किया गया है। लाल किला कहाँ पर है? लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने किया है? तो शाहजहाँ ने। ये आपको ध्यान रखना है, शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण किया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि आगरा में स्थित लाल किले का निर्माण किसने किया, तो आगरा में भी एक लाल किला है और उसका निर्माण अकबर ने किया है। तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो यहाँ विंध पर्वत जो है, विंध कगार है, यहाँ की विंध शैल समूह से बना हुआ है, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर की मात्रा है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको हीरा प्राप्त होता है, हीरा, मजगवा, हिनोता और आपकी ये जो है अंगोरा नाम की हीरा की खान है। एक आपको जो छतरपुर क्षेत्र है इसमें आता है, और एक है बक्स वाहा नाम का जगह। इस क्षेत्र में लगभग 2,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को के स्थित जंगल को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं, स्क्योर ऐसा कुछ स्क्योर है, इतने क्षेत्र का क्या कर रहे हैं जंगल को, एकड़, 2,00,000 एकड़ के क्षेत्र को क्या कर दिया जा रहा है? नष्ट कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? हीरा की प्राप्ति होनी है, तो यहाँ से हीरा की प्राप्ति होनी है, इसलिए इस जंगल को जलाया जाना है या साफ कर दिया जाना है, क्योंकि वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्षेत्र में आपको याद रखना है कि रीवा पन्ना के पठार से मैंने आपको बताया कि एक नदी का उद्गम होता है टोंस नदी का। टोंस नदी कहाँ जाती है? टोंस नदी का उद्गम होता है सतना से। कहाँ से होता है? सतना से। सतना में एक कुंड है तमसा कुंड, तमसा कुंड, वहाँ से ही टोंस नदी का उद्गम होता है, और टोंस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं। टोंस नदी को क्या कहते हैं? तमसा नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो टोंस नदी का उद्गम एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर टोंस केन, अब यहाँ पर बहुटी केवटी, ठीक है, बहुटी केवटी पियावन
ये प्रमुख जलप्रपात है। चचाई ये जलप्रपात है। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात हैं बहुटी, केवटी, पियावन और चचाई, ये आपके रीवा पन्ना के पठार में स्थित जलप्रपात है। आगे वाटरफॉल, ठीक है, तो बहुटी, केवटी, पियावन, चचाई, ठीक है, ये वाटरफॉल आपको कहाँ मिलते हैं? रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में जैसे कि आप लोग कहते हैं कि भैया हमें पर्यटन के लिए जाना है तो मैहर जाना है, तो मैहर जाओगे तो आपको सतना जाना पड़ेगा। मैहर कहाँ पर है? सतना में। आपको चित्रकूट जाना है तो सतना जिले में ही चित्रकूट मिलते हैं, जगह स्थित है चित्रकूट। और चित्रकूट जिला अगर देखा जाए तो चित्रकूट जिला जो है वो यूपी में है, जबकि चित्रकूट प्लेस जो है वो कहाँ पर है? आपके हैं सतना जिले में है और रीवा पन्ना के पठार में आता है। और आप सब जानते हैं कि चित्रकूट क्यों उल्लेखित है, कि हमारे पुराण कथा और रामायण में लिखा गया है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि चित्रकूट में भगवान श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था। अनसुईया देवी का वहाँ पर आश्रम है ना, स्फुटिक शिला है, भरत राम मिलाप का भी है, गुप्त गोदावरी भी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से चित्रकूट से पूछी जाती है, क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है आपका रीवा पन्ना का पठार, ठीक। अब अगला हमारा इसी भाग में अगला लास्ट है, उसको देखो, नर्मदा सोन घाटी। भैया देखो टाइम लगेगा, आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, आपको यहाँ से समझना है। देखिए आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी और भारत की पांचवी बड़ी नदी नर्मदा नदी। भारत की पहली सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? गंगा। दूसरी बड़ी है गोदावरी। तीसरी बड़ी है कृष्णा। चौथी बड़ी है यमुना। और पांचवी बड़ी नदी है नर्मदा। नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम जो है आप सब जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, और अमरकंटक जो है वो अनूपपुर ज़िले में है। कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर ज़िले में है। इस अमरकंटक में स्थित अनूपपुर ज़िले से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, जो पूर्व से, ये कौन सी दिशा है बेटा, हमने आपको बताया पूर्व, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में गिर जाती हैं? तो खंबात की खाड़ी में जाकर आपकी गुजरात के निकट गिर जाती है, ठीक। आप अगर खंबात की खाड़ी देखें तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और ये वाली जो खाड़ी है इसको खंबात की खाड़ी कहते हैं, और ये वाली खाड़ी जो है वो कच्छ की खाड़ी है, ठीक। खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बेटा इधर है, बंगाल की खाड़ी आपके भारत के पूर्व में है और अरब सागर जो है आपके यहाँ पर पश्चिम में है। तो इसी पश्चिम में अरब सागर में ही एक खाड़ी है जिसको हम क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। रट लेना है, समझ लेना, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण, मतलब दक्षिण में आपकी पूर्व से पश्चिम दिशा में एक नदी बहती है, उसकी घाटी को हम कहते हैं नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें क्या, कि नर्मदा नदी, ये जो मैं आपको बताया ये घाटी जो है वो नर्मदा सोन घाटी कहलाई। इस नर्मदा सोन घाटी में आप यहाँ पर अच्छे से जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, और इसी के पास महानंद सोन का भी उद्गम हुआ है, जो उत्तर पूर्व में बहते हुए आपके मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार होकर बिहार में गंगा नदी के किनारे पटना में, मतलब पटना के किनारे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पटना के निकट। तो ये सोन नदी है, ये जो नदी है वो कौन सी है? महानंद सोन है। सोन को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मिलने वाली बालू में आपको क्या मिलते हैं? सोना के कण मिलते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं। ये सोन नदी जो है ये उत्तर और पूर्व की ओर है, जबकि आपकी नर्मदा नदी जो है आप पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम जो है आपको बता दिया, जो 1312 किलोमीटर की कुल लंबाई में नर्मदा नदी बहती हैं, और ये जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई में बहती हैं। अब बात करते हैं कि नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है ये लगभग लगभग
86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पूरा मध्य प्रदेश का कितना है? तो पूरे मध्य प्रदेश का 26% है। तो मध्य प्रदेश का 26% भाग क्या कहला रहा है? आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए कि ये नर्मदा नदी जो है, इसका पूर्वी हिस्सा जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान और विंध्य क्रम की चट्टान से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई, जबकि आपका पश्चिमी एरिया जो मालवा का क्षेत्र है, इसका निर्माण मैंने आपको बताया था कि मालवा के क्षेत्र का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। तो इस मालवा के क्षेत्र में जो के पास वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है और इसका पश्चिमी हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका पश्चिमी हिस्सा दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है, जबकि इसका पूर्वी हिस्सा जो है ये किससे बना हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से और आपकी आपकी कौन सी, धारवाड़ क्रम और विंध्य क्रम की चट्टानों से ये बना हुआ है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी मिलेगी, जबकि नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में काली मिट्टी मिलेगी। नर्मदा घाटी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी है और नर्मदा सोन घाटी यानी कि भारत की यानी कि सोन आपकी नर्मदा घाटी ये भ्रंश घाटी है, दो पर्वतों के मध्य हैं। ऊपर जो मैंने आपको पर्वत श्रृंखला बताई, ये पर्वत श्रृंखला जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला या विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है, जबकि नीचे जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। तो जो आपके नर्मदा नदी है ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में